इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से जुड़े लाखों अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी आ चुकी है। काफ़ी लंबे समय से जो अभ्यर्थी थे वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे कि अध्यक्ष का सिलेक्शन कब हो पाएगा। सो फाइनली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर जी ने क्या किया है, अध्यक्ष जी का जो सिलेक्शन है वो कर लिया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कीर्ति के हाथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कमान। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे विस्तार से। जितनी भी भर्तियां शिक्षक भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं या नए शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन आने से रुके पड़े थे, वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष न मिलने के कारण ये सारी प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब जो चयन आयोग है वो ये सारी भर्तियाँ करेगा। ये देख लीजिए, ये सारी भर्तियाँ होंगी, ये सारी भर्तियाँ इस तरह से, ठीक है। इसमें टीईटी का भी नाम आ चुका है। जो अभ्यर्थी यूपी टीईटी कह लीजिए, चलिए यूपी टीईटी कह लीजिए, इंतजार कर रहे थे, वो भी अब यहां पर आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आप लाइव देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो थे उनका इंतजार खत्म हो गया है और अब आयोग को नए अध्यक्ष जो है वो स्थायी रूप से मिल गए हैं। आप देख लीजिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए 5 नामों में से कीर्ति पांडे जी का चयन किया है। ये आयोग बेसिक शिक्षक भर्ती से लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक की और शिक्षण संस्थानों की शिक्षक भर्तियां करेगा। इसमें सृजित सभी 12 सदस्यों पर नियुक्ति 14 मार्च को ऑलरेडी की जा चुकी है, तो ये सारी चीजें वो हो गई। अब ये जो यहां पर आयोग है जल्द ही सक्रिय हो जाएगा पूरी तरह से और जो पुरानी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं, ठीक है, पुरानी भर्तियां जो लंबित पड़ी हुई हैं नए आयोग की वजह से, ठीक है, जैसे कि आपका टीजीटी हो गया या फिर पीजीटी हो गया, ठीक है, ये सारी भर्तियां भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। पिछले 2-3 सालों से ये भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं केवल इसी वजह से क्योंकि नए आयोग का जो गठन हुआ था उसमें सारे जो अध्यक्ष वगैरह थे वो स्थायी रूप से नहीं मिल पाए थे, लंबित नहीं, यहां पर जो नियुक्ति थी वो नहीं हो पाई थी, तो भर्तियां लंबित पड़ी हुई थी। फिलहाल अब नए आयोग के अध्यक्ष मिल गए हैं और जितनी भी आपकी भर्तियां यहां पर बीच में अधूरी छूटी हुई हैं, जैसे कि साथ अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय की भर्ती, एडेड अल्पसंख्यक महाविद्यालय की भर्ती, एडेड माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूलों या उनसे संबंधित प्राथमिक विद्यालयों, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन एडेड अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षाएं जो लंबित पड़ी हुई हैं वो सारी भर्ती परीक्षाएं अब यहां पर हो पाएंगी, तो यहां पर अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और उम्मीद है सितंबर में आपकी डेट फाइनल की जा सकती है और अक्टूबर में आपकी परीक्षा भी हो सकती है, तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। और जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनको भी मजा आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। जैसे ही आपकी डेट घोषित की जाएगी नए आयोग की तरफ से हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई जो अपडेट है उनका नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। आज की इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।